सुप्रीम कोर्ट आज निर्भया गैंगरेप के एक और दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल राष्ट्रपति द्वारा दायर याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दोषी विनय के वकील ने याचिका दायर की है। इससे पहले बुधवार को भी निर्भया के माता पिता ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए निचली अदालत का रुख किया था। वहीं निचली अदालत ने भी तिहाड़ जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चारों दोषियों को फांसी देने की नई तारीख की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब कानून जीवित रहने की इजाजत देता है ऐसे में फांसी पर चढ़ाना पाप है। दूसरी तरफ निर्भया की मां ने आरोप लगाए थे कि न्यायाधीश फांसी की तारीख तय न करके दोषियों को समर्थन दे रहे हैं।